दोस्तों, जैसे कि सबको पता है कि भारत का पॉपुलेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन कई बार ये पॉपुलेशन का बढ़ना बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छी साबित होती है। और आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही पांच बेहतरीन फ्रेंचाइजी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिमांड है। और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ता है उनमें रोटी, कपड़ा और मकान की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा स्टाइलिश लोग जब बनने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आता है क्लोथिंग। और क्लोथिंग के अंदर बिजनेस करने की अगर आप प्लान कर रहे हैं तो ये बिजनेस वीडियो आपके लिए काफी बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि आज मैं बताने जा रहा हूं पांच ऐसे शानदार, बेहतरीन और धमाकेदार क्लोथिंग फ्रेंचाइजी के बारे में जो आपकी लाइफ बदल सकती है अगर आप इन ब्रांड्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, आप देख रहे हैं स्टार्टअप अथॉरिटी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मेरा पहला फ्रेंचाइजी है, ये है लेवाइस का फ्रेंचाइजी, इसको लेविस भी बोल सकते हैं। ये पेरेंट कंपनी जो है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम है वो है लेवाइस स्ट्रॉस कंपनी और लेवाइस स्ट्रॉस एंड कंपनी। दोस्तों, ये कंपनी जो है वो जींस, कपड़े, डिज़ाइन में बेहतर क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड करती है। अगर आप जींस, कैजुअल शर्ट, स्कर्ट्स एंड फुटवेयर से रिलेटेड आइटम्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो इनसे बेहतर कंपनी आपको नहीं मिल सकती है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इसके साथ बिजनेस करना काफ़ी ज़्यादा बेहतर साबित हो सकता है। इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको 200 से 300 स्क्वायर फुट एरिया की जरूरत पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट की जहाँ पर बात आती है, 5 से 10 लाख रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको लगेगा एज अ सर्विस फीस। इसके अलावा अगर आप जो है गोडाउन बनाना चाहते हैं तो 10 से 15 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट होगा, और बाकी मिसेलेनियस जो खर्चे होते हैं वहां पर आपको 2 से 3 लाख रुपए देना पड़ेगा। यानी अगर आपके पास 35 से 40 लाख रुपए का एक्सपेंडिचर है, पैसे हैं, तो आप इस बिजनेस के साथ काफी तेजी से ग्रो कर सकते हैं, काफी फास्ट ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद आती है दूसरा ब्रांड और ये है रैंगलर ब्रांड। दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा पॉपुलर ब्रांड जिसे कह सकते हैं, और सबसे बड़ी चीज है कि ये अमेरिकन ब्रांड है और यहां पर इनका जो पूरा फोकस रहता है वो मेंस वियर्स के अंदर रहता है, मेंस वियर कलेक्शन के अंदर रहता है। लोकेशन की बात करें तो इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको प्राइम लोकेशन चाहिए, जैसे कि मॉल्स। एरिया रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर 500 स्क्वायर फीट से 1000 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए। इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो 20 से 40 लाख रुपए के बीच में इन्वेस्टमेंट है, तो आप इस बिजनेस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। कमीशन रेंज जो है यहाँ पर 80% तक मिलेगा, यानी कि सालाना ROI जो है वो आप 1 से 2 साल के अंदर कंप्लीटली निकाल सकते हैं। तीसरा ब्रांड हमारे श्रेणी में आ रहा है वो है वेन ह्यूशन। 1980s की ये ब्रांड जो यूनाइटेड स्टेट में शुरू करी गई थी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये ऑपरेटिंग में है। 300 से ज्यादा फ्रेंचाइजीज है। इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो एरिया रिक्वायरमेंट यानी मॉल जो होगी वो सबसे ज्यादा परफेक्ट होगा। अगर आप एरिया की बात करें तो 1200 स्क्वायर फीट से लेकर के आप जो है आगे जो भी जितना भी एरिया चाहते हैं आप उतने एरिया में स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 30 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए तक के इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको देने पड़ सकते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें तो 85-15 के अंदर होता है, यानी कि जो फ्रेंचाइजी होती है वो 85% रेवेन्यू होल्ड करती है जबकि कंपनी 15% का रेवेन्यू जो है वो होल्ड करती है। चौथा ब्रांड इंडियन ब्रांड है, ये है मान्यवर ब्रांड। दोस्तों, मेंस एथिंग के अंदर सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांड है। आप इसे सीजनल भी बिजनेस कह सकते हैं क्योंकि ये जो है मोस्टली ग्रूमिंग से रिलेटेड आइटम्स जो है वो प्रोवाइड करता है, और ग्रूमिंग का काम तब होता है जब शादी और ब्याह का समय आता है, तो इसलिए आप जो है इसको सीजनल भी मान सकते हैं। हालांकि इसमें सेल पूरे साल चलता रहता है, लेकिन जो सीजन के अंदर चलता है उसमें इतनी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाती है कि आप जो है 2-4 महीने तक अगर कम भी सेल आए तो आप अपने बिजनेस को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस बिजनेस को अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं कि 1999 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2008 में इन्होंने अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च करी थी, और आज के समय में 400 से ज्यादा फ्रेंचाइजी जो है वो इनके साथ जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, और ये कंपनी वर्ल्ड वाइड एक्सपेंड करने जा रही है, जहां पे यूनाइटेड अमीरात यानी UAE, USA, कनाडा, जहां पर भारतीय लोग रहते हैं वहां पर ये कंपनी
एक्सपेंड करने जा रही है। एरिया रिक्वायरमेंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 200 से लेकर के 500 स्क्वायर फीट एरिया चाहिए होगा। इन्वेस्टमेंट की बात आती है दोस्तों, तो ये है 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट से आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इंडियन टारेन फ्रेंचाइजी के बारे में। ये हमारी 5वीं फ्रेंचाइजी है और सबसे अच्छी फ्रेंचाइजी कह सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के 200 से ज़्यादा एक्सक्लूसिव आउटलेट है और 100+ जो है वो फ्रेंचाइजी आउटलेट है। वेंकी राजगोपाल के द्वारा ये शुरू किया गया था और आज के समय में ये एक नए ब्रांड के साथ भी काम कर रही है, जिसमें से 4-16 इयर्स के बॉयज के लिए काम कर रही है। कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 250 करोड़ के आसपास है। और दोस्तों बात करें अगर आप इसकी फ्रेंचाइजी लेने की, तो आप जो है यहाँ पर किसी भी जगह पे, गांव में, शहर में, जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, क्योंकि इसके कपड़े, इसके प्रोडक्ट्स जो है वो इतने शानदार हैं कि आप कहीं से भी चाहेंगे तो इसकी फ्रेंचाइजी लेकर के काम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एरिया रिक्वायरमेंट की, तो 600 से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो ये बेस्ट आपके लिए हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की बात करें दोस्तों, तो यहां पर आप जो है मिनिमम 40 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए के आसपास आपके पास पैसे हैं तो इस बिजनेस के साथ आगे जा सकते हैं। फ्रेंचाइजी फीस की बात करें तो 5 लाख रुपीज के करीब 5 लाख रुपीज इसकी फ्रेंचाइजी फीस है। बट ओवरऑल अगर बात करें तो आपके पास अगर 25 लाख के आसपास रुपए है तो आप इस बिजनेस के साथ आराम से बढ़ सकते हैं। तो ये 5 फ्रेंचाइजी आपको ग्रोथ देने के लिए काफी बेहतर साबित हो सकती है। तो अगर आपको इन 5 फ्रेंचाइजीज के बारे में और ज्यादा जानकारी लेनी है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा इसी तरह के शानदार बिजनेस वीडियोज को सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय भारत।